आइए हम आज के वचन को देखेंगे, प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके पहले वचन से लेके मैं पढ़ रहा हूं। और वह आराधनालय में फिर गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे कि वह सत्य के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सत्य के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। पर वे चुप रहे और उसने उनकी मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। और उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। प्रेज लॉर्ड। तो वह फरीसी बाहर जाकर तुरंत यहूदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करे। यहां पे हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार, प्रभु यीशु ने कैसे चमत्कार किया। अब यहां पे हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह आराधनालय के लिए बहुत ज्यादा स्थान देता था। इस वचन में जब मैं आज सुबह ध्यान कर रहा था तो मुझे प्रभु ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने आराधनालय को बहुत ऊंचा स्थान दिया। आराधनालय को प्रभु यीशु ने बहुत ऊंचा स्थान दिया और उसकी बहुत सारी मिनिस्ट्री जो है वो आराधनालय में थी। आराधनालय में जब यीशु मसीह जाता था और वहां पे उसने कैसे आराधनालय में जो है यशया 53 अध्याय वो पढ़ा और कौन सा वो अध्याय कि परमेश्वर यहोवा का आत्मा मुझ पर है, वो अध्याय को, और परमेश्वर यहोवा का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे जो है अभिषेक किया, वो वचन पढ़ा। और आज हम देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया कैसे महान जो है आराधनालय में, आराधनालय का काम जो है प्रभु यीशु मसीह का था। और जब वो जाता था तो आराधनालय में काम करता था और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि कैसे वो आराधनालय में बड़े बड़े महान महान काम उसने किए। मत्ती उसके 4 अध्याय और उसके 23 वचन में अगर आप पढ़ में पढ़ता हूं, वहां पे लिखा है, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। उनके सारे सिनेगॉग्स में वो चला गया, बाइबल में लिखा है, और सूर्या में उसका यश फैल गया और सब लोग बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियां दुखों में जकड़े हुए थे, उनमें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वालों और झोले के मारेबों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। तो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कैसे जो है सभाओं में थी और कैसे प्रभु परमेश्वर उनको बचाया करता था, कैसे उनको संभाला करता था। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में भी यही काम करना चाहिए, हालेलुया, और हम भी प्रभु यीशु मसीह के जो है जीवन में रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह क्या हर सब्त के दिन सिनेगॉग में या सभास्थान में या मंदिर में जाते थे? क्या जाते थे? क्या नहीं जाते थे? नहीं? क्या जाते थे? कोई वचन, वचन अगर आप पढ़े उस वचन को कि जो है लुका उसका 4:16 यहां पे लिखा है कि मेरे पीछे बोले, और वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह जहां पाला पोसा गया था वहां पे अपनी रीति के अनुसार, मतलब उसकी अपनी रीति थी भैया, और वो अपनी रीति ये थी कि सब के दिन वो आराधनालय में जाता था। प्रेज लॉर्ड। इसलिए हमारी ये रीति है कि हम हर रविवार को चर्च में जाते हैं और आए हैं और आना चाहिए। वो अपनी रीति के अनुसार जाता था और आज हमें भी बहुत सारे लोगों को जो है वो रीति जो है पता नहीं कि वो प्रभु के भवन में नहीं आते, इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं, कहते शादी थी, मंगनी थी, ये था, फलाना था, बम का था, इनकी कोई रीति नहीं है,
इनकी शादी आए तो शादी का खाना खाने के लिए जाएंगे लेकिन चर्च में नहीं जाएंगे, इनकी मंगनी हो गई तो मंगनी में जाएंगे खाना खाएंगे लेकिन जो है चर्च में नहीं जाएंगे। हमारे प्रभु के लोगों के लिए चाहे अगर वो शादी भी होती है और मंगनी भी होती है तो लेकिन कम से कम सुबह 7 बजे की सभा में अटेंड करेंगे फिर ही जाएंगे हम लोग। प्रेज लॉर्ड। वह अपनी रीति के अनुसार, मतलब उसकी अपनी रीति थी। आज आपके पास भी यह रीति होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को यह रीति थी तो उस रीति के अनुसार सप्त के दिन जो है वो जाकर क्या करते थे जो है पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। उस समय जो है सप्त के दिन जो दूसरा काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाता था, उसको जो है मार दिया जाता था। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी जो है सप्त के दिन को बहुत इज्जत की। और आज हमारे लिए सप्त का दिन तो रविवार है, हम रविवार को पवित्र दिन मनाते हैं। और इसलिए हमें, हम जो सेवन डे एडवेंटिस्ट लोग नहीं हैं, जो लोग क्या करते हैं वो जो है शनिवार को ही बैठते हैं, लेकिन हमारा, हमारे लिए तो प्रभु ने व्यवस्था पूरी की है और अब हम प्रभु के संगति में हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन को मनाते हैं जैसे पहले शताब्दी के लोग मनाया करते थे। प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत सामर्थी परमेश्वर, और कैसे उसने जो है देखें अगर आप जो है तो कैसे कैसे प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार के लिए, और कैसे कैसे उसने सिनेगॉग में चमत्कार किए, बहुत बड़े बड़े चमत्कार सिनेगॉग में प्रभु यीशु मसीह ने किए। हाँ, और प्रभु यीशु मसीह बाइबल में लिखा हुआ है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह, अगर आप पढ़े मत्ती उसके 4:23 और वहां पे लिखा है कि कैसे दुष्ट आत्मा से भरे हुए और मिर्गी वाले लोग प्रभु यीशु मसीह के लाए गए और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुटकारा दिया। प्रभु यीशु मसीह आज हमारा इतना महान परमेश्वर है। फिर अगर आप पढ़ें हालेलुया वहां जो है मत्ती उसके 12:9 में, वहां से चलकर वह उनकी सभा में आया। मरकुस उसका 1:21 मरकुस 1:21 में लिखा है, और उसने उन्हें तुरंत बुलाया और वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सप्त के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा, और जो लोग उसके उपदेश से चकित हुए क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नहीं परंतु अधिकारी की नहीं उपदेश देता था। और उस समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिनमें अशुद्ध आत्मा थी, और उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नाश करने आया है, मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि यह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है, वह तो अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। कितनी अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह यहां पे हम देखेंगे, जब आए प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए तो अशुद्ध आत्माओं को वो निकालता था, और उस सभाओं में सिनेगॉग्स में जो लोग आते थे उनके जीवन में चमत्कार किया। ये भी सूखे हाथ वाला मनुष्य था, उसको भी प्रभु ने इस सिनेगॉग में सभा में जो है पूर्णता छुटकारा दिया और पूर्णता आरोग्य दिया और आराधनालय में आजादी दी। आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई ज्यादा मैं देखता हूं। और आज आपको भी प्रभु, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे आराधनालय में है। प्रभु यीशु मसीह जब चला गया तो उसने एक प्रॉमिस देके चला गया, तुम चर्च के लोगों को प्रॉमिस देके गया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं हूं। आज आप किसके नाम से आए हो, इसलिए यहां पे कौन है, यहां पे अगर चमत्कार जो होते वो किसके नाम से होते, वो कौन करता है, हमारे चर्च में यीशु मसीह उपस्थित है, वो हमें देख रहा है, हमारे दिलों को भी जांच रहा है। हालेलुया, वो आपके लिए चमत्कार करेगा, वो आपके लिए आशीष देगा। और हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के, हालेलुया, वहां पे जो है दुष्ट आत्मा से आजाद हो गए। उस सिनेगॉग आराधनालय में दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आए और वो प्रभु यीशु मसीह ने उसको आजाद कर दिया। बहुत सारे लोग जो है विश्वासी लोगों को मैंने देखा है, जब वो चर्च में आए आराधना करने के लिए उनके मुंह टेढ़ा हो, उसके बाद में ठीक हो गया, निकल गया वो दुष्ट आत्मा। प्रेज लॉर्ड। वो दुष्ट आत्मा उनके जीवन में निकल गई, उनको पता नहीं था, लेकिन वो यीशु के पास आए और यीशु के नाम से इकट्ठे हुए
और यीशु के नाम की प्रार्थना की। हमारे ब्रदर कैलाश, इनके बहुत शराब पीने की आदत थी, बहुत शराब पीते थे, ये सीबीआई में काम करते और बहुत कुछ जो है वो हो रहा था, लेकिन और वो अपने जीवन की बातों को, परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। सिस्टर सुनीता ने उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया लोधी कॉलोनी में, और वो प्रभु यीशु के पास आए। पहली बार जो हमारे घर में आए, हमारे चर्च में आए जीवन नगर में, तो मैंने कहा कि अभी आपको मालूम चलेगा क्या है क्या नहीं है। मैंने उनके ऊपर हाथ रखा, ऐसा करने लगे ब्रदर, और वो दुष्ट आत्मा उनमें से निकल गई। अब जो है उन्होंने शराब छोड़ दी है, प्रेज द लॉर्ड, शराब छोड़ दिया है। बहुत शराब पीने वाले व्यक्ति शराब छोड़ दिए। मुझे उस दिन वो फोन कर रहे, कह रहे पास्टर मुझे अभी शराब पीने की इच्छा नहीं होती है। वो प्रेज द लॉर्ड, वो जो जो हम इनको पूछते थे वो जो है वो ही हमको पिलाती थी, हमने उनको हटा दिया है घर से। अब तो मुझे प्रभु यीशु मसीह का ध्यान, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा, मुझे प्रभु यीशु मसीह को प्रेज द लॉर्ड। तो जो दुष्ट आत्मा से भरे होते हैं वो आराधनालय में आए और प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह उनको आजाद करता है। हमको भी पता नहीं कि कभी बोर बात दुष्ट आत्मा, तंत्र मंत्र, जादू टोना हमारे ऊपर लोग करते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के भवन में जाते हैं तो सब आजाद होकर निकल आते हैं। हालेलुया, दुष्ट आत्मा चीखती चिल्लाती हुई हमारे ऊपर से निकल जाती है। हालेलुया, क्योंकि हम यीशु के नाम से प्रभु के भवन में आते हैं। ये सबसे सेफेस्ट, सबसे सेफ जगह है, सबसे सुरक्षित जगह है यहाँ पे। हालेलुया, जो है कोई आने, शैतान आ नहीं सकता, और शैतान भाग जाता है, शैतान अस्वस्थ हो जाता है। हालेलुया, वो एक दुष्ट, एक जो है तांत्रिक ने जो है एक प्रभु के दास के ऊपर तंत्र मंत्र भेजा, रात को भेजता रहा भेजता रहा भेजता रहा, वो जो है दुष्ट आत्मा आई फिर से उसको पकड़ने लगी। उसने कहा कि भैया उसके पास मत भेज, उस घर के चारों ओर हम बहुत बड़ी आग देख रहे हैं, मत भेजना है, जाओ उधर, परेशान कर उसको। वो फिर से गए, फिर से आग देखी, फिर से आए, फिर से गए, फिर से गए, ऐसा चलता रहा रात भर। और जो है सुबह सुबह ऐसा हुआ कि जो है वो जो तांत्रिक था, वो तांत्रिक जो है जिस व्यक्ति के विरोध में तंत्र मंत्र करा रहा था, उसी के घर में आके ठटका रहा है, ए भैया खोलो रे, भैया खोलो रे। उसने खोल के देखा तो वही तांत्रिक है जिससे बात हुई थी। उसने उसने कहा मुझे अंदर ले लो, मुझे अंदर ले लो। क्या हो गया? ये दुष्ट आत्मा मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या भेज रहे? मैं उसको तेरे ऊपर बार बार भेज रहा था, वो कह रहा तुझे तुझे को दिखाता हूँ। बोले बोले तंत्र मंत्र तांत्रिक दुष्ट आत्मा करने लगे, हमें भेजता तू, अभी तुझे को तेरे विरोध में आते। बोले वो तंत्र, वो जो है शैतानी दुष्ट आत्मा है, वो तांत्रिक के विरोध में आ गए। वो जो भागने लगा, दौड़ने लगा घर छोड़ जाड़ के, और जो उसके यहाँ पर तो उसको अच्छा मौका मिला था। उसने कहा कि जो है परेशान हो गया ना तू, मान प्रभु यीशु में घटेगा भविष्य के सामने। हालेलुया, हमारा प्रभु बहुत महान है, हमारा प्रभु बहुत जिंदा खुदावंद है। हालेलुया, आराधनालय में छुटकारा, आराधनालय में चंगाई। हालेलुया, और जो है फिर से एक बार अगर आप देखें उस वचन को, कैसे वो कफर जो है कफरनहूम में आए, और वहां पे लिखा है मरकुस उसका पहला अध्याय का 21 वचन, और वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सबके दिन सभा के घर में जाकर उपदेश देने लगा। और मरकुस उसका पहले अध्याय का 23 वचन, और उस समय सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। हालेलुया, और प्रभु इससे कहता कि हालेलुया, प्रभु यीशु ने उसे डांट कर कहा चुप और उसमें से निकल जा, और वो निकल गई। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जब था तो चिंता नहीं, आज हमारे बीच में हमारा प्रभु राजा है, हमें चिंता नहीं। हालेलुया, यस। वो लोग कहने लगे कि कोई ये नया उपदेश है, क्योंकि बड़े अधिकार के साथ ये दुष्ट आत्माओं को भी निकालता है। हालेलुया, फिर लुका उसका 4:33 में लिखा हुआ है, आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और वह उनसे सबसे चिल्ला कर उठा, हे यीशु हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नाश करने आया है, मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा चुप रह और उसमें से निकल जा, तो दुष्ट आत्मा उनसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाया उसमें से निकल गई, और सब लोग जो है अचंभा करने लगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का काम जो है वो सिनेगॉग में था, प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई जो है वो सभास्थान आराधनालय में जाता था। वो सार बाइबल में लिखा है वो सारी आराधनालय में गया। हालेलुया, अपनी रीति के अनुसार गया। आज प्रभु की आत्मा हमसे बात करना चाहती है। बहुत सारे लोग जो है रविवार को मिस करते हैं और गवाही देते हैं, मैं पिछले 2 महीने चर्च में नहीं आ पाया, मैं पिछले 2 सप्ताह चर्च में नहीं पाया। मैंने जी कैसे रहे आप लोग? हमारे चर्च के कुछ ऐसे लोग हैं, अगर एक संडे भी नहीं आते तो कहते पास्टर मेरा ये सप्ताह तो सारा बेकार चला गया, मैं चर्च में नहीं गया तो सारा बेकार हो गया।
हो परमेश्वर के लोगों, आज हमारे अंदर वो परमेश्वर के भवन में जाने की एक इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए और हम परमेश्वर के भवन में लगातार जाना चाहिए, यह परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, प्रभु परमेश्वर का भवन, परमेश्वर के भवन में हालेलुया अपने ऋतु के अनुसार, रीति के अनुसार प्रभु जब जाता है और कैसे प्रभु काम करता है। बाइबल में और कुछ वचन पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 84 अध्याय और उसके 10 वचन में लिखा है, मेरे पीछे बोलिए, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के हजार दिन से उत्तम है, दुष्टों के डेरों में वास करने से परमेश्वर की भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अच्छा लगता है। हालेलुया। भजन संहिता उसके 92 अध्याय के 13 वचन में लिखा है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहरते रहेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हे भजन संहिता 134:1, हे यहोवा के सब सेवकों तुम सुनो जो रात दिन रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। Praise the Lord। भजन संहिता 5:7 में लिखा है, मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। भजन संहिता 27:4 में लिखा है, मैं एक बार यहोवा से मैंने मांगा है, उसी के यत्न लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। जो प्रभु के भवन में जाते हैं, बाइबल में लिखा है, जो है भजन संहिता 36:8, वे तेरे भवन के चिकने चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी से उन्हें पिलाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के भवन के लिए हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक जन कोई भी प्रभु के भवन के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं, आधे घंटे के बाद जाऊंगा, दो घंटे के बाद जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा। परमेश्वर को गुस्सा आता है, परमेश्वर को गुस्सा आता है और इसलिए हमें परमेश्वर के भवन में जाने के लिए हालेलुया पीछे नहीं हटना है, लेकिन हमेशा प्रभु के भवन में जाना है। जब हम प्रभु के भवन में जाते हैं तो प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आती है। हालेलुया। और जो है हम देखते हैं कि अगर आप पढ़ेंगे गिनती उसका 15 अध्याय, वहां पे जो है कैसे प्रभु के वचन में लिखा है, गिनती उसके 15 अध्याय के मेरे ख्याल से 32 वचन में, हमें यस वहां पे लिखा है, जब इजरायली जंगल में रहते थे तो उन दिनों में एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला वे उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए और उन्होंने उसको हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए, सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर फतराव करें। सो जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर फतराव किया और वह मर गया। मतलब प्रभु की दृष्टि में विश्राम दिन पे लकड़ी बिनना भी एक महापाप था, एक बहुत बड़ा पाप है, और इसलिए प्रभु परमेश्वर को अगर हमें खुश करना है तो हमें प्रभु के भवन में जाना है। हमारे लिए तो प्रभु का पुनरुत्थान का दिन है और उस दिन में हम दूसरे काम करते हैं, लकड़ी बीनते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, ये जो है भरते हैं, वो भरते हैं, ये इधर जाते हैं, तो ये प्रभु को अच्छा नहीं लगता। प्रभु ने कहा कि मैं तो इनके लिए यार मैंने तो अपना प्राण दे दिया, ये रविवार को प्रभु के भवन में नहीं आ सकते। प्रभु परमेश्वर जो है इस बात को बहुत दुखी हो जाता है और इसलिए प्रियो आज प्रभु परमेश्वर हमसे यही बात करता है। और यहां पे हम देखते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह वहां पे थे और जो है प्रभु यीशु मसीह कैसे सप्त के दिन जो है वहां पे जाता है, और सप्त का दिन था और सप्त के दिन जो है इजरायली लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे और कहना चाहते थे कि क्या ये सप्त के दिन इनको चंगा करता है कि नहीं। देखो प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे उसके विरोध में भी बहुत पॉलिटिक्स खेला गया, ऐसे नहीं प्रभु यीशु मसीह निकला, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में सारे इजरायली लोग आ गए और उन्होंने सब लोग देखने लगे कि आप यीशु मसीह चंगा करता है कि नहीं, चलो देखते हैं।
बड़े बुरी नजरों से प्रभु यीशु मसीह को वो देखते रहे। प्रभु यीशु मसीह जिसका हाथ सूखा था उसको ठीक करना चाह रहे, प्रभु यीशु मसीह जो दुष्ट आत्मा से भरे उनको आजाद करना चाह रहे, लेकिन ये पॉलिटिक्स खेले जा रहे। ये वो आनंदित नहीं हो रहे थे कि कोई जो है सूखा हाथ वाला व्यक्ति ठीक हो जाए, उनको कोई आनंद नहीं था कि कोई अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके घुटने ठीक हो जाए, कोई बीमार ठीक हो जाए, उनको कोई आनंद नहीं था। उनको तो बस पॉलिटिक्स खेलने में लगे थे वो लोग, और पॉलिटिक्स में ही लगे थे वो, ये ऐसा ऐसा किया, वैसा ऐसा किया, वैसा ऐसा किया। और हम देखते कि वो सारी चीजें जो है वहां पे वो जो है मतलब वो सिर्फ देखते थे नियम नियम नियम, और नियमों को लेके पकड़ना चाह रहे थे वो। हालेलुया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने सामने की सारी दीवार को तोड़ दिया। हालेलुया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबके दिन जो है क्या मनुष्य को ठीक होना चाहिए क्या नहीं। जो है प्रभु यीशु मसीह कहता है कि शब्द ये मनुष्य के लिए बनाया गया है। हाँ, सब के लिए मनुष्य ने, लेकिन शब्द ये दिन जो है मनुष्य के लिए बनाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। बाइबल में लिखा है वो क्रोधित हो गया, जो है एक दो बार क्रोधित, यहां पे भी एक क्रोधित लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह क्रोधित हो गया क्योंकि वो पॉलिटिक्स खेल रहे थे, क्योंकि वो राजनीति कर रहे थे। प्रभु की सेवा में राजनीति करना ये गलत है। उसको गुरु मान लो और उसकी सेवा करो, इसके बजाय कि तुम जो है उसके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हो। प्रभु परमेश्वर को गुस्सा आया, यीशु मसीह को गुस्सा आया, परमेश्वर पिता को गुस्सा आया, और वो गुस्सा यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ। बाइबल में लिखा है वो सबके सामने सारे गुस्से से उसने सबकी और चारों ओर देखा। बाप रे, और सबको चारों ओर देखने के बाद में उसने मनुष्य को कहा जो है, तो आज आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसी परेशानी आएगी जब आप प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के लिए आप जाएंगे, तब लोग आपके विरोध में होंगे, शैतान आपको शर्म देगा, कहेगा शर्म जो है नहीं यार अपनों को प्रचार करना, या इनको बताना नहीं चाहिए, इनको ये नहीं करना चाहिए, आपको जो है बैटिंग करने से पीछे हटा देगा, है गो टू द पैवेलियन, अपना फिर से जो है जाके अपना वहां पे बैठा रहे। तो प्रभु नहीं चाहता कि हम प्रभु की सेवकाई करें, और इसलिए अलग अलग प्रकार की परिवार के ही लोग विरोध में आएंगे, कहां प्रचार के लिए जा रहा है तू, मत जा प्रचार के लिए, ये कर काम, वो काम कर, ऐसा काम कर, कहां प्रचार के लिए जा रहा है तू। नहीं, बाइबल में लिखा है ठोकरों का लगना तो अवश्य है, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो, उसके लिए क्या बताया, उसके लिए ये भला है, क्या भला है उसके लिए, चक्की का पार्ट जो है वो पत्थर क्या करे गले में लटकाए और समुद्र में डाल दे, ये उसके लिए क्या है, भला है उसके लिए। तो इसलिए हमें परमेश्वर की सेवकाई में ले रुकावट नहीं लानी है, जो रुकावट लाएगा ना परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर की आत्मा देखती ऊपर से। यीशु मसीह ने वहां पे देखा सबकी ओर, बड़े गुस्से से देखा, और फिर उसने उस जो है सूखे हाथ वाले मनुष्य को ठीक किया। प्रभु परमेश्वर आज उन लोगों को गुस्से से देख रहा है जो लोग सेवकाई के विरोध में आ रहे हैं, जो लोग प्रचार के विरोध में आ रहे हैं, जो लोग परमेश्वर की सेवकाई के विरोध में आ रहे हैं, प्रभु उनसे खुश नहीं है, और उनके लिए पहले से प्रोफेसी हो चुकी है, उनके लिए भला है बड़ा पत्थर लेके जो है उनको समुद्र में डाल दिया जाए। कौन कौन चाहता है ये समस्या या ऐसा आपके साथ हो, कोई नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं चाहूंगा। तो इसलिए अगर आप नहीं चाहते तो परमेश्वर की सेवकाई के लिए रुकावट ना बनो, और परमेश्वर की सेवकाई के लिए रुकावट अगर बनेंगे तो परमेश्वर जो है उसका दंड जरूर लेगा, परमेश्वर दंड जरूर लेगा। आपको जो है सेवकाई में ठोकर बनना नहीं है, आपको सेवकाई के लिए आशीष का कारण बनना है, आपको सेवकाई आगे बढ़ाना है, आपको सेवकाई के लिए चुना गया है। जीना मेरे लिए, बोलो बोलो, जीना मेरे लिए क्या है, जीना तो मेरे लिए मसीह है, और मरना मेरे लिए, ये याद तो बहुत अच्छी तरह करा है, लेकिन इसके अनुसार चलना चाहिए। अभी हम ठोकरों को लगना नहीं चाहिए, कोई ठोकर ना खिलाए। हालेलुया, अरे भैया तुम नहीं कर सकते तो उनको को करने दो, वो तो करना चाहते उनको करने दो, उनके अंदर आग है, वो आग क्यों जो है दबा रहे हो। पवित्रता की आग मत बुझाओ, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को जो है मत बुझाओ, पवित्र आत्मा की आग बोल रही है तो वैसा होने दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पे
जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वहां पे खड़ा होता है, उसके विरुद्ध पॉलिटिक्स खेला जाता है। कहां पे पॉलिटिक्स? आराधनालय में। पॉलिटिक्स कहां पे? आराधनालय में। प्रभु करे कि हमारे आराधनालय में ऐसा कोई पॉलिटिक्स ना हो। जिसको खेलना है वो बाहर जाके खेले, बहुत सारे राजनीति है उनके साथ जाके खेले, यहां पे ना खेले, यहां पे शांत रहे, आराधना करे और अपने घर जाए, और अच्छा नहीं लगता तो मत आए। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, हमारे चर्च में प्रभु की दया से ऐसे पॉलिटिक्स खेलने वाले नहीं है। हालेलुया, ऐसे प्रभु की बहुत नम्र लोग हैं, जितने बड़े बड़े उतने नम्र नम्र। हालेलुया, प्रभु ने इतना अच्छा, प्रभु ने हमारे पास आत्मा रखी है, पवित्र आत्मा मंडल आती है हमारे चर्च में। हालेलुया, रोपना और उखाड़ना उसके हाथ में, वो उखाड़ देता है। प्रेज द लॉर्ड, रोपना और उखाड़ना उसके हाथ में, वो उखाड़ देता है फिर रोपता भी है, नए नए लोगों को वो रोप रहा है। हालेलुया प्रभु। तो परमेश्वर के लोगों आज हालेलुया, हमें जो है जो सेवकाई का विरोध हो रहा है ना, उसके लिए प्रभु परमेश्वर बहुत जो है गुस्सा है, क्रोधित है, ये प्रभु आज बताना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, यस। और जो है प्रभु परमेश्वर जो है आज हमारे जीवन में जो है वो आशीष देना चाहता है, हमारे जीवन के सारे बंधनों को वो तोड़ना चाहता है। फिर यहां पे लिखा है कि जो है प्रभु यीशु मसीह कहता है कि बीजो बीज खड़ा हो तू, उस जो सूखे व्यक्ति को जो है कहा बीजो बीज खड़ा हो। प्रभु यीशु मसीह ने उनके अंदर एक दया की भावना उत्पन्न कराने की कोशिश करी, लेकिन ये तो पॉलिटिक्स खेलने वाले, इनके अंदर क्या भावना, क्या प्रेम और क्या दया, ये तो वैसे ही जो है बोथट हो चुके हैं, इनका विवेक सारा बोथट हो, ब्लंट हो चुका है उनका सारा कॉन्शियंस। तो प्रवेश ने उसको बीच में खड़ा किया, काश किसी को प्रेम उसके ऊपर आए कि ये सूखा हाथ वाला है। नहीं, आज बहुत सारे लोगों जो है वो सूखे हाथ वाले हैं। आज हम देखेंगे कि अगर आपका हाथ जो है सूखा है, क्या आपका हाथ आशीषित है, आपका हाथ श्रापित है, क्या आपका हाथ आशीषित है। बाइबल में अगर आप पढ़े नीति वचन, नीति वचन उसका 19 ही कुछ, सारा खर्चा हो गया, सारा खर्चा हो गया, इधर इधर दे दिया, उधर इधर दे दिया, उधर इधर दे दिया, सारा कुछ ई बैंकिंग, तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। बाइबल में लिखा है बहुत सारे लोगों के हाथों में बरकत नहीं है, उनके हाथ में शैतान आके छीन लेता है, फटाफट छीनने का काम शैतान करता है। अगर आज आपके हाथ में ऐसी प्रॉब्लम है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ऑफरिंग की ओर अपना हाथ बढ़ा, दशवांश के लिए अपना हाथ बढ़ा। अरे कोई आमेन तो बोलो, यस। प्रचार के लिए हाथ बढ़ा के ट्रैक्स देना शुरू कर, प्रार्थना के लिए अपने हाथ उठा के प्रार्थना कर, हाथ बढ़ा। प्रभु कहता है हाथ बढ़ा, लेकिन श्रापित लोगों के ऊपर जो है ये लागू नहीं होता है, उनका हाथ सूखा हुआ है, उनका हाथ सूखा हुआ है और इसलिए आशीष नहीं है। हालेलुया। अगर आप देखें मत्ती उसका 5 अध्याय और उसके 30 वचन में, वहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, तेरा हाथ अगर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट और फेंक दे। बाप रे, प्रभु का वचन कितना जबरदस्त है। हालेलुया। एक और वचन पढ़े आप, जो है उस दानियल उसका 4 अध्याय का 31वां वचन, वहां पे लिखा हुआ है कि वह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, और जबरदस्त स्थिति से वो क्या कहने लगा था, ये बड़ा बाबुल नहीं है जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बनाए बसाया है। और ये वचन वो बोलना था, मन में था और वो बोल रहा था, और आधा वाक्य पूरा भी नहीं हुआ। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। आज बहुत सारी चीजों लोगों के जीवन से जो है, क्या वो राज्य हाथ से जा रहा है, उनके जीवन से पैसा जा रहा है, उनके जीवन से आशीष जा रही है, उनके जीवन से उनके बच्चे गलत संगति में जा रहे हैं, उनके हाथ से बच्चे भी जा रहे हैं। परमेश्वर के लोगों आइए, ये समय है कि आपके हाथ जो है आशीषित हाथ होने के लिए और आपका जीवन आनंदित होने के लिए प्रार्थना करनी है। ये जो श्रापित हाथ है प्रियो, याकूब उसके 4 अध्याय के 8वें वचन में पढ़े कृपया,
हे पापियो अपने हाथ शुद्ध करो। आज आवश्यकता है कि हमारे हाथ में पैसा नहीं रहता क्योंकि हमारे हाथ शुद्ध नहीं है। आज जो है हमारे हाथों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर करे कि आपके हाथों को प्रभु हालेलुया श्रापित नहीं लेकिन शुद्ध और आशीषित करे। अपने हाथों को उठा के प्रभु से प्रार्थना करें। आज हम हर एक जन अपने दोनों हाथों को उठाओ और प्रभु से कहो प्रभु मेरे हाथ आशीषित हो जाए। प्रभु परमेश्वर मैं अपने हाथों को उठाता हूँ जैसे तूने कहा कि हाथ बढ़ा। और जैसे उस सूखे वाले व्यक्ति ने हाथ वाले ने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ जो है जो का त्यों हो गया। प्रभु ने उसे वो हाथ फिर से ठीक करा दिया। ओ खुदा बाप आज तेरी आशीष हर एक हाथ के ऊपर हो जो हाथ आज यहाँ पे उठे प्रभु जी। ओ हालेलुया इन हाथों पे बरकत दे प्रभु जी। इन हाथों पे आशीष दे प्रभु जी। जो जो चीजें उनके हाथ से निकल रही है प्रभु जी वो हाथ वो चीजें उनके हाथों से निकलना ना पाए। उनका पैसा उनके हाथ से निकलना ना पाए। उनके बच्चे उनके हाथ से निकलने ना पाए। उनका घर उनकी प्रॉपर्टी उनकी सारी ऐसी परेशानी प्रभु ओ और जो सारी ऐसी बातें प्रभु जी उनके हाथ से निकलने ना पाए। हे प्रभु परमेश्वर उनके हाथों पे आशीष दे। उनके हाथों के कामों पे आशीष दे प्रभु जी। तेरी पवित्र आत्मा मंडलाने दे प्रभु जी। सारे बंधन तोड़ दे यीशु के नाम से। आमेन आमेन आमेन। विश्वास करो कि आपके हाथ पवित्र हो चुके हैं। हालेलुया विश्वास करो कि आज आपके हाथ पवित्र हो गए। हालेलुया बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। हालेलुया हालेलुया। तो भी यहोवा को भाया कि उसे कुचले। उसने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तो अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी होगी। आमेन। आज तक हमारे हाथ से हमेशा शैतान की इच्छा पूरी होती है। छोटे छोटे बच्चे जो है अपने मम्मी पापा के पॉकेट से पैसे निकालते हैं। अपने मम्मी के पर्स से पैसे निकालते हैं और फिर बाद में जो है वो जाके कुछ चीजें खरीदते हैं और खाते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद में वो बड़े चोर बनते हैं। तो इसलिए हम अबे सिखाए कि चोरी ना करना। चोरी करना ये शैतान का काम है। शैतान की दुष्टात्मा। चोरी की दुष्टात्मा होती पता है। वो चोरी की दुष्टात्मा किसी में अगर पड़ जाए ना तो वो चोरी करने की आदत लग जाती है। आदत लग जाती है कि दुष्टात्मा आके उसके द्वारा चोरी करवाता है। हमेशा हमेशा चोरी करने की आत्मा लग जाती है। हमें वो चोरी की आत्मा नहीं चाहिए। हे खुदा बाप तू जो देगा तेरे हाथ से हम सब लेंगे। हमें शैतान के हाथ से नहीं चाहिए। हालेलुया हमें चोरी की कोई चीज नहीं चाहिए। चोरी की चीजों पे हमारे बच्चे पलने नहीं चाहिए। चोरी के पैसे से हमारा घर चलना नहीं चाहिए। चोरी की कोई भी चीज हमारे घर से निकल जाए। हम तो ईमानदारी के पैसे से मेहनत के पैसे से चलेंगे खाएंगे पिएंगे और हमारे घर चलेंगे। हालेलुया उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। आज प्रभु करे कि आपको हालेलुया आशीष दे और आपके जीवन के सारे बंधन तोड़े। आपके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा है वो काम आपके जीवन के द्वारा पूरा होके रहेगा। होके रहेगा। हालेलुया शैतान का काम नष्ट होगा। जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। अगर मैं जी रहा हूं तो मैं यीशु के लिए जी रहा हूं और यीशु की इच्छा पूरी करने के लिए जी रहा हूं। कि शैतान के लिए जी रहे कोई शैतान की काम तो नहीं कर रहा। फिर शैतान के शब्द तो नहीं बोल रहे हो। शैतान की चीजें तो नहीं कर रहे हो। तो याद रखना शैतान के लिए नहीं जी रहे हम यीशु के लिए जी रहे हैं। जीना हमारे लिए मसीह है। हालेलुया। और फिर बाद में हम देखते हैं कि कैसे भजन संहिता उसके 73 अध्याय 73 के 10 में लिखा है तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। हमारे दाहिने हाथ को किसने पकड़ा है। हालेलुया किसने पकड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे दाहिने हाथ को प्रभु ने पकड़ा इसलिए मेरे हाथ में बरकत रहेगी। मेरे दाहिने हाथ को प्रभु ने पकड़ा इसलिए मेरे हाथ में पैसा रहेगा। हालेलुया यस। उस राजा आजकल बहुत सारे लोग दिखाते हैं ना मेरे हाथ में ना ये धन रेखा है ना धन रेखा। ओहो धन रेखा। ये धन रेखा कुछ नहीं है ब्रदर। हालेलुया प्रभु की आज्ञा का पालन करोगे ना तो बहुत धन आएगा। वो नबूकदनेस्सर राजा की धन रेखा वैसी थी लेकिन प्रभु का वचन आया तेरे हाथ से राज्य निकल गया। देखते रहा है अपने धन रेखा। ये धन रेखा पर हम विश्वास नहीं करते जी। हम तो विश्वास करते हैं हमारे प्रभु पर। वो आशीष देने वाला है। वो उन्नति देने वाला है। वो पैसा देने वाला है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड।
तो इसलिए ये हाथ हस्तरेखा और ये सारी चीजें इस पर हमारी जिंदगी नहीं है। हम कितना प्रभु का वचन पालन करते हैं और कितना प्रभु को खुश करते हैं और कितना प्रभु की योजना के अनुसार चलते हैं, उसके अनुसार हमारी आशीषें नापी जाएगी और हमको दी जाएगी। हालेलुया। इसलिए कभी भी जो है वो हाथ हस्तरेखा वगैरह मत देखिए। हालेलुया। आपको जो है वो हस्तरेखा बताने वाले सारी चीजें सही सही बताएंगे, हाँ जी तुम्हारा ऐसा है, एकदम सही विश्वास करवा देगा, लेकिन एक ही बात गलत बताएंगे आप, और उससे आपका जीवन जो है कंफ्यूजन में आएगा और आपसे सारे गड़बड़ जाएंगे। इसलिए हमने अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया है। गाना तो हम गाते हैं ना, Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds my future. The life is worth the living just because he lives. जब प्रभु मेरा जिंदा है और जब उसने मेरा फ्यूचर अपने हाथ में लिया है, तो मुझे धन रेखा देखना नहीं है, मुझे आयु रेखा देखना नहीं है। मेरी आयु रेखा मेरा यीशु है, मेरा यीशु मेरे लिए भर जवानी में मारा गया, इसलिए मुझे लंबी आयु मिल के ही रहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु की आशीष। भजन संहिता 144 के 1 में लिखा है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, जो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। हे ये कलवरी चर्च के लोगों, अपना हाथ बढ़ाओ। यहोशू को प्रभु ने कहा कि अपने हाथ की बर्छी एक ही ओर बढ़ा। जब मूसा को प्रभु ने कहा कि अब जो है समुद्र की ओर अपना हाथ बढ़ा, क्योंकि अब मैं फिर से पानी ये करूंगा, जब तक मूसा ने हाथ आगे नहीं किया तब तक पानी नहीं आया। हालेलुया। आपके हाथ में परमेश्वर ने अधिकार दिया है। प्रभु ने कहा कि हाथ बढ़ा, उस सूखे हाथ वाले मनुष्य का कहा हाथ बढ़ा। बोलिए हाथ बढ़ा। प्रभु आपको कह रहा है कि हाथ बढ़ा, हाथ बढ़ा। यस, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे हाथों में शिफा देता हूं। जब तुम किसी सिर पे हाथ धरोगे तो वह चंगा हो जाएगा, बीमारों पे हाथ धरोगे चंगा हो जाएगा। हाथ बढ़ा, प्रभु परमेश्वर ने कहा हाथ बढ़ा, और आज वो मेरे हाथों को युद्ध करने के लिए और लड़ने के लिए तैयार करता है। हमारा युद्ध शैतान के विरोध में, किसी मनुष्य के विरोध में नहीं है, शैतान के विरोध में है। हालेलुया। आज हमें हाथ बढ़ा के हमारे, हालेलुया, उस संपूर्ण जो है लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है, हमारे जो है सारे पंत प्रधान को आशीष देनी है, हमारे सारे मंत्रिमंडल को आशीष देनी है। आपके हाथ में शिफा है, आपके हाथ में अधिकार है, आपके हाथ को प्रभु ने आशीषित किया है, वो तेरे हाथों को युद्ध के लिए, हालेलुया, और लड़ने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारे पवित्र हाथ उठाओ। प्रेज द लॉर्ड। यस, इफिसियों 4 अध्याय का 28वां वचन, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। अपने हाथों में प्रभु की बरकत आने दे। हालेलुया। और पुरुषों के लिए प्रभु का वचन, पहला तिमोथियुस उसका 2 अध्याय और 8 वचन में लिखा है, सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। कैसे? पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना करे। अपना हाथ बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा। हालेलुया। फिर इब्रानियों 12:12 में लिखा है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो। दोबारा आज प्रभु परमेश्वर आपके हाथों को आशीषित हाथ बनाना चाहता है। मेरे हाथों को प्रभु ने आशीषित हाथ बनाया है। जब मैं किसी के ऊपर हाथ धरता हूं, प्रभु चंगाई देता है, चमत्कार करता है। हालेलुया। और ये अधिकार प्रभु ने सारे विश्वासियों को दिया है। ऐसा एक सिर्फ पास्टर के लिए आशीष नहीं है, यह आशीष हर विश्वासी के लिए है। और प्रभु चाहता कि हर विश्वासी के हाथ, लेकिन प्रभु कहता कि हाथ बढ़ा, हाथ बढ़ा उसके सिर पे। हालेलुया। बहुत बहुत, लेकिन जब तक आप जो है पूरे विश्वास में पक्के ना हो, तो उसमें उससे पहले के हाथ ना रखे तो अच्छा है। कभी कभी ऐसा जो है काउंटर अटैक आ जाता है और बड़ी मुश्किल होती है। मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं, पास्टर मैंने तो जो है उस पर जब हाथ रख दिया जो है दुष्ट आत्मा के व्यक्ति पर, तब से जो है रात को नींद ही नहीं आती। तब तो उसके लिए आपको जो है पूरा होना है आपको तैयार। जो है एक व्यक्ति ने जो है कैंसर के पेशेंट पर हाथ धर दिया, तब से उसका हाथ ऐसा ठंडा हो गया, वो ऐसा करने लगा एकदम। ये हुआ है उनसे,
तो जो है हालेलुया। लेकिन प्रियो अगर आप आपके सूखे हाथों को प्रभु परमेश्वर कहता है कि हाथ बढ़ाओ, हालेलुया, इस हाथों को आपका जीवन जो है इन हाथों के द्वारा आशीषित हो जाए और परमेश्वर की महिमा हो। तो आज हमने देखा प्रियो कैसे जो है प्रभु यीशु मसीह जो है सिनेगॉग आराधनालय को महत्व देता है, और आज हम भी आराधनालय को महत्व देंगे। हर रविवार को प्रभु के भवन में सिजदा करेंगे, आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की कैसी इच्छा अपने जीवन में हम पूरी करेंगे। फिर हम देखते हैं कि कभी भी कोई पॉलिटिक्स हमारे जीवन में जब आता है, उस पॉलिटिक्स के विरोध में हम खड़े हो जाएंगे, उसके विरोध में क्रोध से खड़े होकर उस पॉलिटिक्स को बंद करेंगे यीशु के नाम से, हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर ऐसा करने के लिए सहायता कर। और तीसरी बात हमने देखी, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपना हाथ बढ़ा, और हम अपने हाथों को बढ़ाएंगे परमेश्वर की सेवकाई के लिए, गिरते हुओं को सहारा देने के लिए, जो नरक में जा रहे हैं उनको खींचने के लिए, जो आग में झपट पड़ रहे हैं उनको झपट कर निकालने के लिए अपने हाथों को बढ़ा। कौन कौन आज प्रभु के लिए अपना हाथ बढ़ाना चाहता है? सुसमाचार के लिए हाथ बढ़ाना चाहता है, दशमांश के लिए हाथ बढ़ाना चाहता है। प्रभु का वचन आज आपके लिए कहता है हाथ बढ़ा। आइए हम सब खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे आज, प्रभु से कहेंगे प्रभु हालेलुया हमें हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रभु सहायता कर प्रभु जी, मेरे जीवन के सारे बंधनों को तू तोड़ दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। सारे बंधनों को तोड़ने वाले, सारी रुकावटों को दूर करने वाले, सारे अंधकार की शक्ति को नष्ट करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु सामर्थ्य है और कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आज हम आज आप यहाँ पे आए हो, आज आपके हाथों को उठाते रहिए और प्रभु को बताते रहिए कि प्रभु ये मेरे हाथ आज आशीषित होंगे, आज मैं यहाँ पे तेरे भवन में आया हूँ प्रभु। हालेलुया, वो पॉलिटिक्स मुझसे नहीं होगा, वो ठोकर के कारण मेरे द्वारा नहीं लगेंगे, जो सेवा चल रही वो सेवा हो के रहेगी प्रभु जी। ओ खुदा बाप हालेलुया, मैं सेवकाई को बढ़ाने वाला ठहरूँ, मैं आत्मा को आत्मा काम समझ के परख कर उसके अनुसार करने वाला ठहरूँ, मैं रोकने वाला ना ठहरूँ प्रभु जी। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें हम। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी ब्लेस यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रेज अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कलवरी परिवार के साथ, यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह अनंत बनी रहे। आमेन आमेन।